ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਮਾ ਵੀ ਐਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਂ ਬੇਨ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਬਵਾਲ क्या ऐसा नहीं होता इस कौम के अंदर? होता है तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका कुरान के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। सारा बाल मेरा रहमान ने बनाया, अतार भी अल्लाह को दे, सवार भी अल्लाह को, मंगलार भी अल्लाह को दे, बुधवार भी अल्लाह को, वीरवार भी अल्लाह को दे, जुम्मू भी अल्लाह को, बार भी अल्लाह को, आने वालों अतार भी अल्लाह को, इन चीजा को इस्लाम के नाल के ताल्लुक, इन चीजा को कुरान के नाल के ताल्लुक, इन चीजा पर अकीदो रखनो ज़ईफुल ईमान ही है और इसको बगैर कुछ नहीं, या ईमान की कमजोरी के बगैर कोई चीज नहीं होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ते ईमान ल्यान आयो अल्लाह की ज़ात ते डरो, अल्लाह पाक को खौफ अपना दिला के बीच पैदा करो, अल्लाह को डर अपना दिला के बीच रखो, थारी जमीन झुके ते अल्लाह का डर के नाल झुके, खौफे खुदा के नाल झुके, अल्लाह की मर्जी के नाल झुके और अल्लाह की मर्जी के बाहर जो कुछ है उसके अल्लाह को खौफ खाओ कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। यही हुक्म अल्लाह ताला शरीफ शाम ने कुरान में मुकद्दस फरमान अमीन कही थी तो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ए ईमान वालों अल्लाह की जात से डरो, वहदहु ला शरीक जिसको कोई शरीक नहीं, वाहिद रब है जिसको कोई पूजो नहीं, वो सूरज ना मशरक से चाड़े ना मगरब मटको छुड़े, कोई पूछण आलो नहीं कि रब्बा मशरक से क्यों चाड़े ना मगरब मत क्यों आयो, वो रब है जवानो वो चंदना रात कटे ते दिन दिहाड़ी कटे, कायनात ना किसी की ताकत नहीं पूछनी कि रब्बा चंद रात क्यों निकले ते दिन दिहाड़ी कटे, वो रब है जद जो चाहे वो करे, उसको खौफ दिलावा इस्तेबाद मेरा अल्लाह ने हुक्म दी तो फरमायो वकूनु मअस्सादिकीन के जब थारा दिला में अल्लाह को डर पैदा हो जाए, जब खौफे खुदा थारा दिला में पैदा हो जाए, जब अल्लाह की वहदानियत को डर थारा दिला में आ जाए, जब तक खुदा ना एक मनन लग जाए, खुदा की वहदानियत ना मनन लग जाए, रब के नाल किसी ना शरीक ना करे, उसका वहदा होना शरीक मने, किसे ना अल्लाह की दात के नाल शरीक ना ठहराए, रब्बा फिर क्या कर दो है? फरमाया हुआ कून मअस्सादिकीन, फिर तुम सच्चा लोका को रस्तो इख्तियार कर, फिर तुम सच्चाई को रस्तो इख्तियार कर, सच सच का रास्ता पर चलन वाला के नाल चलन लग जाओ, सच्चाई पर टुरन वाला के नाल टुरन लग जाओ, हक का रास्ता की दावत देने वाला के नाल टुरन लग जाओ, वकून मअस्सादिकीन नाल हो जाओ उन्हें जरा सच्चाई की दावत दे, जरा सच्चा रास्ता वर तुरे, जरा हक का रास्ता वर तुरे, जरा अल्लाह ना एक बने ना नबी ना अल्लाह को रसूल बने, जिनका दिला में खौफ खुदा है यही इस्लाम तो यही कुरान है, कौन मासाद नहीं मैं बीच सारा तू सच्चो वो सारा तू सच्चो जड़ी सब के पहली जात बंदा माए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मेरा इमाम इमाम अहमद रजा खान फातिमी बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाई, फरमाई के सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है वो सच्चे से सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो सच्चे से अच्छा हमारा, सारा मसारा दे सच्चो, सारा मसारा दे सच्चो, सारा मसारा दे अच्छो, सारा मसारा दे ऊंची जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, रब जद या दावत है तो कौन मअस्सादिकीन तुम सच्चा के नाल हो जाओ तो सबसे पहले सच्चो मोहम्मद रसूलुल्लाह और अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल हो जाओ, नाल होने का मतलब कि नबी का दसिया हुआ रास्ता के ऊपर चलो, हम मुसलमान ना हम इस्लाम न मन्ना, हम कुरान न मन्ना, हम किताबुल्ला न मन्ना, कुरान का अहकाम न मन्ना, नबी की हदीसा न मनन वाला लोग, हमने कलमो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह का नबी को कलमो पढ़ लियो वो तो हम परस्ती से निकल गयो, वो वहम वाली बीमारी से निकल गयो,
वो शिक की बीमारी से निकल गयो, वो शिर्क की बीमारी से निकल गयो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ गए, दुनिया में यो पैगाम दे कि मेरो मालिक है के है वो खुदा है, मेरो खालिक है के है वो अल्लाह है, मेरो राजी के की है वो अल्लाह है, मेरी मुसीबत डाल नालो एक की है वो अल्लाह है, और उसके बाद अगर मेरो कोई है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को नबी है जो पैगंबर बना दे अल्लाह ने मेरे अंदर। फिर जवानों बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाला इस्लाम न मानने वालों, जो तो हम परस्ती को शिकार नहीं होना चाहिए, जो वहम को शिकार नहीं होना चाहिए, इसको रस्तों बड़ो साफ से शिफाफ होना चाहिए, जो अल्लाह न मानने, जो अल्लाह की किताब न मानने, जो अल्लाह का रसूल न मानने, इसको रस्तो सच्चो साफ सच्चो रस्तो है, जो तो हम परस्ती ने बिल्कुल पाक ने साफ होना चाहिए। तो हम परस्ती इन द सेंस मैं देता उस दौर के अंदर जिंदगी जिया, जिस एक साइड इस्लाम की बाहर भी है, एक साइड कुरान की बाहर भी है, एक साइड इश्क रसूल भी है, एक साइड मोहब्बत रसूल भी है, एक साइड ला इलाहा इल्लल्लाह की बाहर भी है, एक साइड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चर्चो भी है, लेकिन अफसोस के नाल कहनो पे कि एक साइड अगर बिल्ली रा माज है तो एक यो भी है कि बिल्ली रा का पीला होना आगे जानो ही नहीं है। इसना तो हम परस्ती, इसना वहम की बीमारी के, जिसको इस्लाम के नाम दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं, हम तो हम परस्ती का इतना शिकार, हम तो हम परस्ती में इतना डूब गया, रास्ता निकलिया सवेरे सफर बसता है, गाड़ी के आगे बिल्ली आ गई, ना जी बिल्ली आ गई, होंडा आगे वो सफर ही सारो खराब आ गयो, मारो ईमान में इतना कमजोर में इतना ज़ईफ हो गयो कि बिल्ली का राम आने के नाल मारा रास्ता खराब हो गया। और हकीकत अगर इसकी क्या सोचा, अगर मारा रास्ता में बिल्ली आने के नाल मारो सफर खराब हो गयो, कि जब बिल्ली का सोच नहीं गए तो मेरा रास्ता में इंसान आ तो मेरा सफर खराब हो गयो, उल्टो यो भी क्या हो सकता है ना, हर चीज का दो रुख है, दो पहलू ही, दो मंजर है, हमने अगर बिल्ली अगे आने राट कटन नाल मारो रास्ता खराब हो गयो, मारो सफर खराब हो गयो, कि जब मारा अगे आने के नाल बिल्ली को खराब तो नहीं हो गई, लाजा ये तो हम परस्ती है जिसका दोनों कौन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका दोनों दूर कुरान के नाल कोई ताल्लुक नहीं है, तालीमात मुस्तफा के तालीमात औलिया के नाल जिसको दूरों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो हम परस्ती का इतना शिकार हाँ कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज दी तो कि मुसलमानों मेहनत करियो हलाल को खाइयो, हम तो हम परस्ती का इतना शिकार हाँ कि हाथ की तली में खुर का जेल हमका बिदलते पैसा आ रहा है, जिसका सिर्फ एक बहन की बीमारी कह सका, जिसको इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं, जिसको कुरान के नाल कोई ताल्लुक नहीं, जिसका गोजरी में शिख का ना उर्दू में तो हम परस्ती, हमारा ईमान इतना कमजोर है, हमारा रास्ता इतना कमजोर है, हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया वो है कि हमारे अंदर चली भी चली रस्म आई लगी, कई ऐसी रस्म जिनके नाल दूर दूर तक इस्लाम को कोई ताल्लुक नहीं है, हमका जीना ना दातों पर दातो करे खुदा, क्या ये तो हम परस्ती हमारी कौम में नहीं है कि वीरवार वाला त्यौहार है। आज का दौर मावी ये वो दौर है जिसना 21वीं सदी का जड़ो मॉडर्निटी की तरफ जाए लगो, जड़ो उरूज की तरफ जाए लगो, जिसके अंदर तालीम आम है, एजुकेशन आम है, इस्लामी तालीम के आम, दुनियावी तालीम के आम, क्या आज का दौर मावी ऐसो नहीं हो तो कि कई माँ बहन ऐसी जड़ी वीरवार वाले त्यौहार सिरे नहीं होती के भाई हम बवाल, क्या ऐसा नहीं होता इस कौम के अंदर, होता है तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका कुरान के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, सारा बार मेरा रहमान ने बनाया, अतार भी अल्लाह को दे, सवार भी अल्लाह को, मंगलार भी अल्लाह को दे, बुधवार भी अल्लाह को, वीरवार भी अल्लाह को दे, जुम्मू भी अल्लाह को, बार भी अल्लाह को, आने वालों अतार भी अल्लाह को, इन चीजों को इस्लाम के नाल के ताल्लुक, इन चीजों को कुरान के नाल के ताल्लुक, इन चीजों पर अकीदों रखनो ज़ईफुल ईमान ही है, और इसको बगैर कुछ नहीं, या ईमान की कमजोरी के बगैर कोई चीज नहीं होती, या सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी है, ओयो कुछ ऐसा वह को जमाना के बीच अगर इसका आम पास्ट में जा तो इसकी तारीख में जा, ओयो कुछ ऐसा वह को कि किसी को नहीं मानी आप पुराना जमाना में वीरवार वाले जाने सिर तो वह को कहीं मुश्किल आ गई वह की उतू है जो एक सिस्टम चलायो कि नहीं जी वीरवार के जाने सिर नहीं और नहीं तो नहीं हमारी हम बाल, जबकि इसके साथ इस्लाम का दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, पैर न खुल का ही जिनाब सफर कर लो जिनाब, इस्लाम का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, या बीमारी भी ना हो सके, यो एक मर्ज भी ना हो सके खुद का,
या आज की तारीख में खून वाली पैसा मिलने वाली या कल जिस्मानी बीमारी भी तो हो सके इसको पैसा के नाल देना या तो हम परस्ती है इससे निकलने वास्ते है कि रस्तो है वो रस्तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान होते हुए हमारे पास एक तरफ कुरान है, एक तरफ हमारे पास किताबुल्लाह है, एक तरफ रसूलुल्लाह की हदीस है, एक तरफ इस्लाम की बाहरवीर है और एक तरफ आत्मत अली फुरकान नाल पैसा मिलन पर ईमान भी रखो जाए ईमान भी रखो जाए। ये कौन सा ईमान है मुसलमान? एक तरफ इस्लाम की बहार, एक तरफ बिली राम आई जनाब सफरे भी कर लो बिली भी रस्तो काट लियो मारो अगर मारो सफर ही खराब हो गयो। ये सारी की सारी वहम परस्तियां है, ये सारे की सारी तोहम परस्ती है। तान मेरा रब ने इरशाद फरमायो फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरो व कुन मा सादिकीन, सच्चा के नाल हो जाओ सच्चा रास्ता जाकर चलो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल।